की जाती हैं थ्योरम्स और फॉर्मूले लगाकर, ठीक है, तो इस चीज को ये लिख लेते हैं।
इससे पहले का जो पहला वाला रिजल्ट था उसमें डिवाइड बाई थीटा नहीं था, सिंपल साइन थीटा था, तब जीरो था, अब यहाँ पर डिवाइड बाई थीटा हो गया, यहाँ वन आ गया है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो जिनके ऊपर हम प्रॉब्लम लिमिट में सॉल्व करेंगे, तो इनको लिख भी लीजिए और याद भी करना है। अभी ये लास्ट में आखिरी एक बचा हुआ है छठा वाला, याद रखिए सारे क्वेश्चंस जो हो रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड।
हम ऊपर नीचे इंटू करके फॉर्मूले के फॉर्म में ले आ रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम इनको ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें वन कहीं मिल जाए, कहीं टू मिल, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ओके,
डिवाइडेड बाय एक्स बाई टू स्क्वायर का फॉर्म लिया तो हमें वन आ गया, वन प्लस स्क्वायर इंटू वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, ओके आंसर वन बाई टू आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे।
यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इतना इतना, जो कि आपको लिखना है आप लिख भी सकते हैं, सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए।
एक बार ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो होता है cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाय 2। sin d माइनस c बाय 2। ओके, हम यहाँ करेंगे यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब इसके आगे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, कैसे करते हैं देखिए। ये हो जाता है कुछ ऐसा। ये कुछ ऐसा आ जाए। को बाहर खींच ले जाएंगे। ओके, कुछ इस तरह लिखेंगे। सिमिलरली आप जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, नीचे हमें a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स चाहिए और यहाँ पर भी हमें b माइनस ए बाई टू इंटू एक्स नीचे भी चाहिए ताकि हम इन्हें वन वन कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखना भूल गया, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है। हमने नीचे a प्लस बी बाई टू लिखा है, b माइनस a बाई टू लिखा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें ऊपर भी लिखना होगा यही चीज। तो a प्लस बी बाई टू b माइनस a बाई टू। ओके, ये बाहर का बाहर है। ये वन हो गया, ये भी वन हो गया और ये हो जाता है ए प्लस बी बाय टू और बी माइनस ए बाय टू। देखिए
ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये आंसर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एट्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, cot 2x और cosec 2x में से इसको cos डिवाइडेड बाय sin x भी लिख सकते हैं, इसको 1 upon sin 2x भी लिख सकते हैं, वही हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या इतना करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में cos 2x माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। माइनस कॉमन बाहर खींच लेंगे क्योंकि हमको यहाँ वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हम पहले भी लगा चुके हैं, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin x square by 2 sin x square। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में से कन्वर्ट किया, एक्चुअली हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ नीचे साइन 2x भी आता है। ओके हम लिखना बोल रहे हैं साइन 2x दिए, x इंटू साइन 2x। अब हमने क्या किया, माइनस 2 यहाँ बाहर कर दिया, एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर हमने एक x बढ़ाया क्योंकि स्क्वायर हमें चाहिए था, साइन स्क्वायर x की वजह से हमें एक और x चाहिए था, तो हमने यहाँ भी x में मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, तो एक x यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। 2 भी हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ साइन 2x है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसमें आंसर आता है माइनस 1। ओके
नया टॉपिक शुरू करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। जब x टेंस टू एक नॉन जीरो वैल्यू, मतलब x टेंस टू जीरो ना होकर कुछ और लिमिट हो, तो हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एक प्रोसीजर लिख लीजिए, स्टेप्स है, एल्गोरिथम है उसके, उसे लिख लीजिए। लिमिट x टेंस टू a fx, सिंपल लिख देंगे। रिप्लेस x इज इक्वल टू a प्लस h, x को a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। तब h टेंस टू जीरो लिख देंगे इन लिमिट में। चौथे स्टेप में गेट लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर अभी हम इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे करना है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल वन, इवैल्यूएट लिमिट एक्स पाई बाय टू देखिए यहाँ पर x की जो लिमिट है वो पाई बाय टू है, जो कि एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ओके, यहाँ पर x टेंस टू जीरो नहीं है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस h, पाई बाय टू से प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस टेंस टू में जीरो मिल जाएगा। आप यहाँ पर पाई बाई टू यहाँ पर हो जाएगा, पाई बाई टू मान लीजिए एक दूसरे से ऐसे करके देखिए, पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच एक दूसरे इसको, तो एस टेंस टू जीरो ही तो आया। ओके, इस तरह करके देख लेते हैं। अब कॉस यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे, पाई बाय टू प्लस एच हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस साइन एच हमें मिल जाएगा, वो पाई बाय टू प्लस एच की जगह हो जाएगा माइनस साइन एच, और पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस एच कैंसिल हो गया, माइनस माइनस इधर से चला गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो
साइन एच आंसर वन। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, ये दो फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, काम आएंगे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप अगर देखेंगे तो ये भी आपको 0/0 के ही फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। 1 माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे 1 आएगा, कॉस इनवर्स 1 रखेंगे ये भी 0 आएगा। तो 0/0 के ही फॉर्म में है ये भी। तो अब इसको करते कैसे हैं, पहले इसमें रैशनलाइज करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ध्यान रखिए ज्यादातर केसेस में यही होता है जब स्क्वायर रूट लगा रहता है कि रैशनलाइजेशन होता है फंक्शन का। ओके, तो रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है। ओके, तो हमने 1 माइनस x ले लिया।
अब x की जगह पर हमें cos थीटा रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे से थीटा मिले, ओके? रिप्लेस x इज इक्वल टू cos थीटा, रिप्लेस x इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा देखिए, जब cos थीटा हम रख देंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ पर भी 1 की जगह cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा थीटा इज टेंस टू 0, ओके? तो यहाँ थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें लिमिट में बदलाव करना होगा, थीटा रखना होगा, क्योंकि हम फंक्शन बदल रहे हैं, तो थीटा में 0 रखना होगा, ओके? इतना बात समझ में आ रही है? 1 is equal to cos theta, theta is equal to cos inverse 1, तो cos inverse 1 कितना होता है? 0 होता है, theta is equal to 0. अब यहाँ पर 1 माइनस 1 टू प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके? अब यहाँ आ जाता है थीटा स्क्वायर, ओके? वन वन कैंसिल, वन प्लस अंडर रूट कॉस थीटा, लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 स्क्वायर, ठीक है? 2 यहाँ था और हमने एक और 2 बढ़ा दिया, यहाँ पर नीचे ऊपर एक तरीके से 4 हो गया, तो थीटा बाय 2 को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ओके? अब यहाँ पर 1/2, अब हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस रूट 1 में आएगा तो 1 का 1 ही आएगा, इनटू 1 का स्क्वायर इनटू 1/2, आंसर मिल गया 1/4, ओके? अब एग्जाम्पल 2 देखिए, इसी के ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक और एग्जाम्पल है, वो आप लोग अब देख लीजिए। देखिए, अब ये कुछ नए तरीके का क्वेश्चन है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं।
ओके। इस साइन इनवर्स को एक्स को हम टेन के फॉर्म में ले आएंगे, इसको कैसे लाएंगे ये भी तरीका जरा देखिए। हम इसका डायग्राम कुछ बना रहे हैं। ये होता है साइन, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी एक्स ऊपर है यानी ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी जो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यूज फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स दो। हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन में फिर से एक बार कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x x क्यूब। तो अब हम इस प्रोसीजर में हमने हमारा मेन एम रहेगा कि हम साइन इनवर्स x को टेन के फॉर्म में ले आए, टेन इनवर्स x के फॉर्म में। इसके लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल में क्योंकि ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आता है x हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, क्योंकि कुछ नहीं का मीन्स 1, तो यहाँ 1, इस वजह से आ गया बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इसे 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 10 इनवर्स बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इतना बात समझ में आई। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आ जाता है इसमें 10 इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जैसा कि हमने फॉर्मूले में आपको दिखाया। As it is, और हमने x cube रख दिया, ओके? अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके? Sorry. हमने सेम सिंप्लीफाई किया इसको तो हमको ऐसा कुछ मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा।
इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें ऊपर ये मिला तो हम नीचे भी इसी से डिवाइड कर देंगे। अब ये टर्म वन हो जाएगी। इसे सिंपलीफाई करके दिखाते हैं। ये टर्म वन हो जाएगी यहाँ पे। ओके सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं ताकि थोड़ी हमें स्पेस मिल जाए। लिखने का तरीका भी ऐसी है ताकि आप बोर्ड के एग्जाम्स में ठीक वैसा ही लिख सको जैसा मैं लिख रही हूँ। एक्स एक एक्स कर गया तो आ गया नीचे वन एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम एक बार रैशनलाइज भी इसको करेंगे। हमको यहाँ पर रैशनलाइज करना होगा ताकि यहाँ पर ये रूट हट सके। रैशनलाइज करेंगे अब हम। हमने यहाँ पर इसको रैशनलाइज किया। ये टर्म सेम रहेगा और आगे यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। ये टर्म एज इट इज रहेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल जाएगा तो आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
वन वन कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी कट गया। रिड्यूस फॉर्म में अब जो भी आया वो एज इट इज उतरेगा, आप उसे एज इट इज उतारेंगे, बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से हम बता रहे हैं वो एज इट इज उतरेगा। ओके, वन वन यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आके बचा क्या, अब देखिए क्या होता है इसके लिए। वन इंटू, अब लिमिट में क्या हो गया, वन अपॉन जीरो प्लस वन, ओके वन माइनस अंडर रूट, ओके वन प्लस वन, इसमें हो गया वन बाई टू, वन बाई टू इसका आंसर है। अब एक नेक्स्ट टाइप का हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स पढ़ेंगे। ये है पहला फॉर्मूला, ये है x टेंड टू जीरो, a टू पावर x माइनस वन बॉन x इज इक्वल टू लॉग a, फिर दूसरा भी है तीसरा भी है, इनको आप देख लीजिए। The following expansions for the valuation of the limit. प्लस एच टू द पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन टोटल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब टोटल थ्री टू सोलह। ओके, दूसरा एक लिख लीजिए एक्सपेंशन log
plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4 by 4 up to so on. ठीक है, हम दोनों को लिख लीजिए। अब हम और इसके एक्सपेंशंस लिखवाएंगे, ये दो है, अभी तीसरा चौथा कहीं है। log 1 minus x is equal to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x 4 by 4 minus x 5 by 5 up to so on. अब e to the power x का हम निकालते हैं, 1 plus x square by factorial 2 x cube by 3 plus x 4 by 4 इस तरह factorial 4 के factorial के फॉर्म में आ गया जब e to the power x का निकालेंगे तो e to the power minus x का निकालते हैं 1 minus x minus sorry plus x square by factorial 2 plus x 4 by factorial 4 up to so on. Okay, we go tally. Note down this expansion. Note down these expansions. Okay.
अब हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लिमिट्स के ऊपर. ये एक्सपेंशन हमें कई बार लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं. देखिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस वन कर रहे हैं तो प्लस वन भी कर रहे हैं. अगर आप इसको खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो ये प्लस वन हो जाएगा. तो माइनस वन प्लस वन करके हमने यहाँ पर बैलेंस एक दिखा दिया. अब फॉर्म में ले आया जिस फॉर्म में हमको चाहिए था, जिस पे हम फॉर्मूले बैठा सकें. तो हमने ए एक्स माइनस वन माइनस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कर दिया. अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो हमको इसमें से मिला लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस ई, और दूसरे में हमें मिला माइनस लॉग बी टू द बेस ई. अब इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी में हमने लिख दिया. ओके पहले के क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए. Thank you.
तो जैसा कि हमने रैशनलाइज किया तो 2 का और x माइनस 1 डिवाइड बाय x हो जाता है. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर भी अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 तो हमने यहां पर सिंपली x की वैल्यू रख दी तो हमें 2 मिल गया यहां पर और ये फार्मूले से log 2 आ गया इज इक्वल टू हो गया 2 log 2. ओके अब दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे. तीसरा क्वेश्चन है अब हम इसमें क्या करेंगे y is equal to sin x मान लेंगे. sin x मानेंगे तो let फिर क्या होगा यहां पर x tends to 0 होगा तो y ऐसे क्या होगा y is equal to sin 0 is equal to 0 so y is equal to 0 so y tends to 0. ओके ये नहीं लिखा ये लिखेंगे y tends to 0. अब नई लिमिट्स के साथ शुरुआत करते हैं. इसमें ऐसे लिखेंगे वी गेट द वैल्यू वी गेट द वाई. ओके तो अब इसमें क्या आ जाता है वाई इज इक्वल टू लॉग ए. ओके ये आंसर है लोगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर भी क्योंकि हमने देखा कि x tends to 1 है जो कि एक नॉन जीरो है हमने सीखा हुआ है कि अगर नॉन जीरो हो तो हम क्या करते हैं x is equal to उस नॉन जीरो टर्म्स को प्लस h कर देते हैं. तो इससे होता क्या है as x tends to 1 then h tends to 0. ओके thank you.
देखिए आ जाएगा यहाँ पर ये log 1 plus x by x is equal to 1 होता है limit x tends to 0, x tends to 0 तो उसी formula के वजह से यहाँ 1 आ रहा है तो answer 1 आ गया okay अब हम और भी questions देखेंगे अपने next lecture 3 में और भी कठिन question easy question कठिन question okay thank you for watching this video